मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल और डीजल की महंगाई का चाबुक अब आम जनता पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तेजी से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे यकीनन जो आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत है पेट्रोल डीजल, उस पर काफी असर पड़ रहा है। भोपाल में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डलवाया आपने, कितना महंगा? बहुत महंगा हो गया है और बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को, आम लोगों को, जनता को, और लोग आम जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट जैसे लोगों को भी आजकल कोरोना के मामले में हर कहीं जाना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल देख के लोग नहीं जा पा रहे हैं, अपनी सुविधा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो कितना खर्च बढ़ा है आपका? मेरा खर्च रोज मुझे 50 रुपये लगते, बट आज मुझे 100 रुपये लग रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि नहीं ख़त्म नहीं हो जाए, कम मिलता है, तो उसके कारण दिक्कत तो हो रही है। कुछ लोग और उनसे बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? ज़रूरत में कुछ फ़र्क पड़ा है? कितना महंगा हुआ? कुछ तो अंतर हुआ होगा आपको? हाँ, बहुत अंतर हुआ भी। जेब पे भारी पड़ा थोड़ा? कितना डलवाते थे पहले? 100-150, 110। परेशान से लग रहे हैं आप इसी को लेकर? परेशान पड़ा। तो जाहिर सी बात है, अगर बात करूँ तो भोपाल में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 13 पैसे पहुँच चुके हैं। यकीनन ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है महंगाई का। डीजल भी तकरीबन शतक लगाने वाला है, 95 रुपये 65 पैसे पहुँच चुका है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तो 100 तक पहुँच चुका है डीजल। इस दाम को बढ़ते हुए देखते हुए लोगों की मुश्किलें हैं। आपने पेट्रोल डलवाया, कितना महंगा पड़ा? महंगा तो है पेट्रोल, लेकिन सर कुछ सुविधाएं भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहले तो आतंकवादी ज़्यादा होते थे, लेकिन वो सब नहीं है सर। आतंकवादी छोड़ी, पेट्रोल पे आपको भार पड़ा है? पेट्रोल से फर्क तो है सर, लेकिन शांति भी तो है बहुत। पहले तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। पेट्रोल दाम बढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? नहीं, फर्क तो पड़ रहा है सर, इसको भी कंट्रोल होना चाहिए। महंगा तो है सर, डेली डलवाते हम, तो रिकवरी है तो डेली हमको करना ही पड़ता है 150-200 रुपये का। तो मुश्किल का दौर है, लोगों की मुश्किलें ये है कि अब चूंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत है और रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी मुश्किल है। मतलब पेट्रोल के रेट फिर बढ़ गए हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, दिक्कत तो हो रही होगी? दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करोगे, कम वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, दोनों तरफ से परेशानी हो रही है। ड्यूटी करने में परेशानी हो रही, घर का काम करने में परेशानी हो रही, हर चीज़ में परेशानी हो रही है। और निकलना भी है घर से? वो घर से भी निकलना, समय पे निकलना है, समय पे हर काम करना है। तो लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टैक्स है वो लिया जाता है। अगर बात करूँ तो पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% यहाँ पर सरकार वैट लेती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सेस भी 4.50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर लिया जाता है और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सेस लिया जाता है। तो पूरे देश के मुकाबले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महंगाई की मार यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बाकी प्रदेशों के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।